नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछली कथा में आपने गुरु गोरखनाथ जी के चमत्कार की कथा सुनी कि किस तरह से वो नौलखे बाग को हरा भरा कर देते हैं, और कथा के अंत में संत ओगड़नाथ और माता वात्सल के बीच में वार्तालाप हो रहा है। तो जिन्होंने पिछली कथा नहीं सुनी है उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा ताकि आप उस कथा को सुन लें। माता वात्सल संत ओगड़नाथ जी से कहती है कि जो बाग को हरा भरा करना था उसका चमत्कार मैं देख चुकी हूँ। जो मुख्य बात रह गई है जिसके कारण मैंने नित्य नियम से गुरु गोरखनाथ जी की जो जलाई है सो कृपा करके उसे आप पूरा करिए और मेरे दुख को दूर करें। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ। मेरी दासी ने जो खता की है उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। रानी वात्सल की आंखों से आंसुओं की बरसात होने लगी। संत ओगड़नाथ को रानी पर बड़ी दया आई। वे महारानी वात्सल की व्यथा सुनकर अधीर हो गए और नम्र वाणी में बोले, माता जी धीरज धरो, अधीर होने से किसी की मुश्किल हल नहीं होती। जब आपने गुरु जी की शरण ले ही ली है तो सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। भगवान जरूर अपने भक्त पर दया करते हैं। मैं अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं रखता हूँ। उनका आदेश है कि पुत्रवती नारी से ही भोजन लेकर आना। बांझ स्त्री का भोजन लेने की मुझे आज्ञा नहीं है, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। आप भोजन सामग्री लेकर नौलखे बाग चलें। अगर गुरु जी नाराज होंगे तो मैं उन्हें मना लूंगा। अगर गुरु जी प्रसन्न हो गए तो मन इच्छित फल जरूर प्राप्त हो जाएगा। भक्तों की मनोकामना पूरी करना हम संतों का परम कर्तव्य है। संत ओगड़नाथ के वचन सुनकर महारानी वात्सल अपनी सास के पास जाकर चरण छूकर विनती करने लगी, हे राजमाता, अगर आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दें तो मैं अपने साथ कुछ दासियों को लेकर नौलखे बाग में, जहाँ गोरखनाथ जी महाराज अपने 1400 शिष्यों के साथ धुनी रमाए बैठे हैं, वहाँ जाकर उनकी सेवा सत्कार करूँ। आशा है मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरुजी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देंगे। आज मुझे आपके बड़े बेटे की याद सता रही है। अगर मेरे पतिदेव यहाँ मौजूद होते तो प्रसन्न हो मेरे साथ साधु संतों की सेवा करने के लिए प्रेम पूर्वक चलते। इतनी बात कहकर अधीर होकर नैनों से नीर बहाने लगी। राजमाता अपनी बहुरानी वात्सल की आंखों के आंसू देखकर वह भी अपने बेटे जेवर सिंह के याद में अधीर हो गई। रानी वात्सल की आंखों के आंसू पहुंचकर फिर अपने आंसू पहुंचे और धीरज धर कहने लगी, बेटी वात्सल, मैं तुम्हारे दुख से कम दुखी नहीं हूँ। भगवान ऐसी लायक बहू सबको दे जो बड़ों का सम्मान परमपिता परमात्मा के सम्मान करती हो। अवज्ञा और अनादर करने वाली बहू किसी को न मिले। मैं तुम्हारी साधु सेवा से अति प्रसन्न हूँ। साधु संतों की सेवा तो तन मन धन लगाकर करनी चाहिए। सो तुम्हें मेरी आज्ञा है, साधु संतों की सेवा सत्कार करो। उनके खुश हो जाने पर तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होगी। गुरु गोरखनाथ परम दयालु हैं, वे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। महारानी वात्सल अपनी सास से आज्ञा पाकर फूली न समाई और उनका आशीर्वाद पाकर संत दर्शन की अभिलाषा काफी बढ़ गई। पुत्र प्राप्ति के वरदान की आशा में हम संस्कार भंडारे का इंतजाम बड़ी तेजी से करवाने लगी। महारानी वात्सल ने अपने दास दासियों को आज्ञा दी कि कुछ लोग भंडारे का अति शीघ्र इंतजाम करो और कुछ लोग नौलखे बाग की धर्मशाला में पहुंचकर साधु संतों के सत्कार की व्यवस्था करो। शहर के नामी ग्रामी हलवाई बुलाए गए और मीठा पकवान, हलवा, खीर पूरी, मोहन भोग, जल्दी बनने वाला सामान हलवाइयों से मंगवाकर और कहारों की बग्गियों में भरवाकर नौलखे बाग में पहुंचाने का इंतजाम करो। सब इंतजाम हो जाने पर मुझे खबर करो जिससे मैं अपनी बग्घी में अपनी सखियों सहेलियों के साथ बैठकर गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंचूं। दोस्तों, महारानी वात्सल की आज्ञा अनुसार नगरी के हलवाइयों को बुलाकर भंडारे के सामान को बनवाने की शीघ्र व्यवस्था की गई और अति उत्तम पकवान झटपट तैयार कर दिए गए, जिसे दास दासियों ने कहारों की बग्घियों में भरवाकर नौलखे बाग में भिजवाने की व्यवस्था की। जब पकवान वगैरह के सामान की बग्घियों को लेकर कहार चल पड़े तब रानी वात्सल को सूचना दी गई कि वह भी अपनी सखी सहेलियों के साथ 4 घोड़ों वाली बग्घी में सवार होकर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए रवाना हो गई। आगे आगे साधु, पीछे वात्सल की बग्घी और पीछे अर्दली। सब नौकर चाकर अपने अपने घोड़ों पर सवार थे, जिसकी शोभा का वर्णन करना असंभव है। महारानी वात्सल अपनी सखियों तथा कर्मचारियों सहित चंद घड़ियों में नौलखे बाग में जा पहुंची और भंडारे की सामग्री गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करके उनके सामने रखवाई, जिसे संत ओगड़नाथ जी ने खुश होकर अपनी सुपुर्दगी में संभाल लिया। झटपट पतले बिछ गई। गुरु गोरखनाथ जी के सारे शिष्य संत महंत एकत्रित हो गए। शुद्ध देसी घी के बने पकवान की खुशबू से बाग में चारों तरफ से सुगंध ही सुगंध फैल गई। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से अपने शिष्यों की मनोकामना छिपी नहीं रही।
वह तुरंत ही अपने प्रमुख चेले उग्रनाथ से बोले, ये कौन नारी है जो भंडारे का सामान लेकर यहाँ आई है। अपने गुरुदेव के वचन सुनकर संत उग्रनाथ को बड़ा दुख हुआ कि गुरुदेव भोजन के समय इस प्रकार का व्यर्थ प्रश्न क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, संत उग्रनाथ से उत्तर देते न बना, उन्होंने गुरु के चरणों में अपना शीश झुका दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, ये ददरेवा नगर की महारानी बाछल आपकी परम भक्त है। अपने गुरु भाइयों व गुरु जी के लिए भोजन सामग्री लाई है। ये अपने चमत्कारी गुरु के चमत्कार की भूखी है। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी ने अपने दोनों आंखें बंद करके दोनों हाथों की हथेली बजाई। हथेली बजने के साथ ही चमत्कार हुआ, धूनी के सामने दूध की नदी बहने लगी। एक तालाब के रूप में आज भी वो वहां पर मौजूद है। अपने चमत्कारी गुरु का चमत्कार देखकर बाकी सारे नर नारी संत महंत सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकार करने लगे। सारे नौलखे बाग में गुरु गोरखनाथ जी की जय जयकारें गूंजने लगी। गुरु गोरखनाथ जी ने सारे भोजन सामग्री का पूजन कर भगवान को भोग लगाया और अपने चेले उग्रनाथ को आज्ञा दी कि पहले एक एक चम्मच खीर सब संतों की पत्तल पर परोस दो। संत उग्रनाथ जी महाराज ने जब खीर का ढक्कन उठाया तो खीर की खुशबू से उनका दिमाग एकदम तरोताजा हो गया। वह सोचने लगे, ये थोड़ी सी तो खीर है और गुरुदेव जी ने इतना बड़ा चम्मच आगे रख कर कह दिया, एक एक चम्मच खीर 1400 पत्तलों पर परोस दो। अगर खीर थोड़ी पड़ गई तो मैं ही खीर के खाने से वंचित रह जाऊंगा, इसलिए इस अमृत तुल्य खीर का एक चम्मच खीर से अलग बर्तन में करके छिपा कर रख देता हूँ। त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी से क्या कुछ छुप सकता था। वह अंतर्यामी गुरुदेव अपने चेले की चलाकी करतूत जान गए। वह विचार करने लगे, उग्रनाथ को पीटे काफी समय हो गया है, ये अपनी करतूत के कारण आज जरूर मार खाएगा, परंतु अभी इसकी पिटाई करने के मुहूर्त में थोड़ी देरी है। बिना मुहूर्त अच्छा या बुरा काम कोई नहीं करना चाहिए। इधर संत उग्रनाथ ने सब संतों को खीर परोसी, लेकिन खीर का बर्तन अभी आधे से ज्यादा भरा रह गया। तब गुरु गोरखनाथ जी महाराज मुस्कुराकर बोले, उग्र, तुम भी अपने लिए खीर रख लो। अपने गुरु की वाणी सुनकर उग्रनाथ बोले, गुरुजी, मैंने अपने लिए खीर पहले ही अलग करके रख ली है। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ आग बबूला हो गए और धोनी के पास से रखा हुआ चिमटा उठाकर तड़ातड़ 5-7 चिमटे उग्रनाथ की पीठ पर जमा दिए। अपने गुरु के हाथ से चिमटों के ताबड़तोड़ पड़ने के कारण संत उग्रनाथ तिलमिला गए। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, मर गया गुरुजी, मर गया। उग्रनाथ की चीख सुनकर योगीराज बोले, अरे तूने लज्जा को तो बिल्कुल ही बेच खाया है। क्या इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर संत बना है? इससे तो गृहस्थ ही बना रहता तो संत समाज को लज्जा ना आती। एक तो मना करने पर भी बांझ का भोजन ले आया, ऊपर से ये बदमाशी, इसे क्यों लाया मेरे धुने पर? मैंने तुझे क्या आदेश दे रखा था कि पुत्रवती नारी की ही भिक्षा लेनी चाहिए? रानी बाछल गुरु गोरखनाथ का गुस्सा और उग्रनाथ की पिटाई देखकर थरथर कांपने लगी। उनकी आंखों से मोतियों के समान आंसुओं की वर्षा होने लगी। रानी बाछल की आंखों से आंसुओं की वर्षा संत उग्रनाथ से देखी नहीं गई। वे अपने गुरुदेव जी के चरणों को पकड़कर बोले, परंतु गुरुदेव जी, ये तो आपका ही उपदेश है कि दुखी प्राणी पर दया करना संत स्वभाव होना चाहिए। मुझे अपनी पिटाई का दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी गलती थी, परंतु अपने दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि इस भक्त धर्म परायण पतिव्रता नारी से नाराज होने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। ये यहाँ के राजा जेवर सिंह की धर्म पत्नी है जो संतानहीन होने के कारण दोनों वक्त आपकी जोत जलाकर मुद्दतों से आपकी सेवा कर रही है। इन्हीं के तप बल का प्रभाव है जो हम सबको इस मरुभूमि में आना पड़ा। अब आप दया कर इस संतानहीन को एक संतान देकर इसके तप को सार्थक करें। ये सौभाग्यवती आपकी दया की अधिकारिणी है। उग्रनाथ की दया भरी बातें सुनकर योगेश्वर बोले, उग्र, तुम्हें बहुत बोलना आ गया है। अपने गुरु को प्रसन्नचित देकर उग्रनाथ बोले, गुरुजी, सब आपकी ही सिखाई हुई बातें हैं। इतना कहकर उग्रनाथ चुप हो गए और गुरु गोरखनाथ जी अपनी दोनों आंखें बंद करके समाधि में चले गए। महारानी वाचल पत्थर की मूर्ति बनकर देखती रह गई। उग्रनाथ अपने गुरु के समाधि हो जाने पर धूनी पर पहरा देने लगे। दोस्तों, रानी वाचल गुरु गोरखनाथ महाराज की समाधि हो जाने से पहले तो अधीर हो गई, फिर धीरज धरकर सोचने लगी, अभी भगवान भक्त की और परीक्षा लेना चाहते हैं, मुझे परीक्षा में सफल होना पड़ेगा। ये अपने शिष्य उग्रनाथ के तर्क वितर्क से अप्रसन्न हो समाधि में चले गए हैं। अगर मैंने तुरंत ही कर्तव्य पालन नहीं किया तो हो सकता है ये समाधि वर्षों तक ना खुले। अब तो मुझे तन मन धन से जैसे भी बने इनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने मन में विचार कर रानी बाछल ने अपने सिर के लंबे बाल खोल डाले
और अपने लंबे घने बालों से धोनी के आसपास की राख व कूड़ा करकट साफ करने लगी। मन ही मन में रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे गुरुदेव, घट घट की जानने वाले योगेश्वर महाराज, मुझे मेरा कर्तव्य समझाओ, मुझे अब क्या करना चाहिए। गुरुदेव, मैं अज्ञानता से भरी अबला नारी आपको किस प्रकार खुश कर सकती हूँ? मैं कोई उपाय नहीं जानती, मैं तो केवल आपकी दया की भिखारिन हूँ, आप ही दया करके मेरी झोली भर दें। जब इस प्रकार रानी बाचल ने अधीर होकर प्रार्थना की, तब उनके मन में प्रेरणा उठी। रानी, अधीर न हो, धीरज धर, सेवा ही मनोकामना पूर्ण होने का सरल उपाय है। बाचल रानी अपने मन की प्रेरणा सुनकर खुश हो गई और धीरज धर सुबह शाम दो वक्त संतों की सेवा में लग गई। वे संतों के खाने पीने पहनने की पूरी व्यवस्था करती, उन्हें किसी समय भी किसी चीज की दिक्कत ना होने देती और बचे समय में अपने बालों द्वारा गुरु गोरखनाथ जी के धोने को साफ किया करती थी। इस प्रकार नित्य नियम से सेवा करते रानी बाचल को काफी समय हो गया। उसका चेहरा काला पड़ गया, मुंह पर उदासी छा गई। अब योगेश्वर से रानी बाचल का चेहरा देखा न गया और अपने भक्त को ज्यादा परेशान करना उचित न समझा। परीक्षा की घड़ी समाप्त हो गई। रानी बाचल संत सेवा के कारण परीक्षा में सफल हो गई। गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न हो शाम के समय अपनी आंखें भगवान शंकर का नाम जप करके खोल दी। फिर महारानी बाचल की तरफ देखकर बोले, देवी, भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन अपने हाथ से बनाकर कल सुबह आना, भोजन ग्रहण करने के बाद ही आपको वरदान देंगे। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के श्रीमुख की वाणी सुनकर रानी बाचल बहुत खुश हुई। उनका चेहरा गुलाब के समान खिल उठा, उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका मन मोर की तरह भीतर ही भीतर नाच उठा। अब उसे विश्वास हो गया, मुझे गुरु कृपा से जरूर पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा और मेरे महल में भी किलकारियां उठेंगी। ईश्वर सदा से ही अपने भक्तों की सहायता करते हैं, फिर मेरी तपस्या क्यों व्यर्थ जाएगी। अपने मन में इस प्रकार विचार कर हंसी खुशी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम कर उनके चरणों में प्रणाम करके चल पड़ी। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। वे बाग से बाहर आकर अपनी बग्घी में बैठ कुछ ही क्षणों में अपने महल में आ पहुंची। महारानी बाचल को शाम के समय खुशी खुशी महल में आता देखकर रानी बाचल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन जो सदा उदास रहती थी आज इतनी प्रसन्न क्यों है। जरूर कोई खास कारण है, हम लोगों ने पहले कभी इतना खुश नहीं देखा इसे, जरूर दाल में कुछ काला है। इस प्रकार मन में विचार कर महारानी बाचल बहन से बोली, क्या बात है, गुरु गोरखनाथ की समाधि खुली या नहीं, सब ठीक ठाक तो है। अपनी बहन काचल की बात सुनकर रानी बाचल ने गुरु गोरखनाथ जी से जो बात हुई थी सब खुश होकर बता दी, जिसे पहले के दास दासियों व रानी बाचल की सहेलियों ने भी सुना और सब ने खुशी खुशी प्रभु की दया और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा का हाथ रानी बाचल पर होने के कारण लाख लाख धन्यवाद किया। रानी काचल भी मधुर मुस्कान बिखेर महल की ओर सखी सहेलियों की तरह ही आशीर्वाद दे खुशी खुशी अपने महल में जा पहुंची और अपने मन में कपट धारण कर सोचने लगी, अगर गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से बहन बाचल के पहले संतान हो गई तो सारे राज्य का मालिक इसका बेटा बन जाएगा और ये राजमाता बन जाएगी। इसीलिए इससे भी पहले मैं भोजन सामग्री लेकर रात में ही गुरु गोरखनाथ जी के सेवा में जा पहुंचूंगी और दिन निकलने से पहले ही वरदान लेकर अपने घर लौटाऊं। किसी को कानों कान खबर भी ना हो पाएगी, मेरी और बाचल की सूरत में ज़्यादा अंतर नहीं है, हम दोनों बहनों की सूरतें बहुत मिलती जुलती हैं। रात में गुरु गोरखनाथ जी को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर नौलखे बाग में भोजन सामग्री लेकर जाऊं तो ब्रह्मा जी भी मुझे नहीं पहचान सकते। इस प्रकार काचल कपट रूप धारण कर रानी बाचल के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, बहन, मैं आज दिन भर आपका इंतजार करती रही। मैंने दुर्गा देवी के 9 दिन के व्रत रखे हैं और आज नवा दिन समाप्त है। किसी दूसरे के कपड़े पहनकर नवदुर्गा पूजन का विधान पुरोहित जी ने बताया है, तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, मैं शीघ्र ही पूजन कर तुम्हारे कपड़े लौटा दूंगी। पूजन का वक्त बीता जा रहा है, इसलिए जरा जल्दी करना। बाचल अपनी बहन काचल के कपट जाल में फंस गई और उनकी बातों में आकर तुरंत ही अपनी पोशाक काचल को दे दी। अपनी बहन बाचल की पोशाक मिलने के बाद काचल की खुशी का ठिकाना ना रहा, उसका मन भीतर ही भीतर मोर की तरह नाच उठा। वह झटपट अपने महल में जाकर दास दासियों को संग में ले भोजन तैयार करवाने गई। जल्दी जल्दी में जैसा भी उल्टा सीधा भोजन बन पाया, दिन निकलने से पहले ही दासियों को साथ ले रानी बाचल वाली पोशाक पहनकर भोजन सामग्री कहारों की बग्घियों में भरवा झटपट नौलखा बाग में पहुंच गई और गोरखनाथ जी के चरणों में जाकर अपना मस्तक झुकाया। खाने की सब सामग्री गुरु गोरखनाथ जी के धोने के सामने रखवा दी। योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी कैप्टन काचल के माया जाल में फंस गए। उन्होंने काचल के पहनावे को देख उसे महारानी बाचल ही समझा और कहने लगे, बेटी, अभी तो दिन निकलने में देरी है,
तुमने बड़ी जल्दी की, काछल हाथ जोड़ मुस्कुराकर बोली, गुरुदेव मैंने सोचा आपको बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए जल्दी जल्दी जैसा भोजन बन पाया बनाकर सेवा में हाजिर हो गई। काछल के जाल में आकर त्रिकालदर्शी महात्मा गुरु गोरखनाथ की बुद्धि भ्रमित हो गई। होनी के वश में होकर गुरु गोरखनाथ महाराज ने शंख नाद कर सब चेलों को हुक्म दिया कि नित्य कर्म से शीघ्र फारग हो लो। अपने गुरुदेव की शंख ध्वनि सुनकर सब संत महंत गुरु गोरखनाथ जी के सामने आकर जमा हो गए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार झटपट नित्य कर्म से शीघ्र फारिग हो स्नान ध्यान से निपट कर अपने गुरु महाराज की धुनी के सामने आकर जमा हो गए। जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि सब चेले धुनी के सामने आकर खड़े हो गए हैं तो ओगड़नाथ से बोले, महारानी के लाए भंडारे को भोग लगाकर सब संत शीघ्रता से निपट लो और डेरे तंबू उखाड़ कर कूच बोल दो। अब उन्हें वरदान देने के बाद यहाँ कोई काम नहीं रह जाएगा, इसीलिए ठंडे ठंडे समय में यहाँ से कूच कर देना ही सही रहेगा। भोजन सामग्री भी ठंडी हो रही है, इसलिए देर करना बेकार है। अपने गुरु का आदेश मिलते ही सब ने एक एक पत्तल उठाकर पंक्ति में बैठना शुरू कर दिया और कैप्टन काछल के कर्मचारियों ने झटपट भोजन सामग्री पत्तल में डालकर उन्हें परोसना शुरू कर दिया। इधर संत महंतों ने अपने गुरु गोरखनाथ जी का स्मरण कर पेट पूर्ति की और उधर कैप्टन काछल सोच सोच कर मुस्कुराने लगी। वे अपने कपटपूर्ण व्यवहार से अति प्रसन्न थी कि मेरा फरेब गुरु गोरखनाथ जैसे त्रिकालदर्शी महात्मा को भी समझ नहीं आया। जब इतने बड़े महात्मा भी कपट जाल में आ सकते हैं तो और लोगों की तो बात ही क्या है। अब गुरुदेव से मुझे वरदान मिलते ही यहाँ से सब चले जाएंगे और महारानी बाचल सारी जिंदगी हाथ मलकर रोया करेगी और मेरी संतान ही इस ददरेवा नगरी पर राज करेगी। दोस्तों, रानी बाचल ने इस कैप्टन को सारी कथा सुनाकर सारे भेद बता दिए थे। उसी के बताए अनुसार गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना करने लगी। कैप्टन काछल की लीला देखकर गुरु गोरखनाथ जी योग माया द्वारा सब जान लिया और मन ही मन सोच विचार कर निश्चय कर लिया कि माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बुरे बेटा बेटी का लालन पालन भले बेटा बेटी की तरह ही करें। परमपिता परमात्मा नास्तिक की भी उसी प्रकार शुद्ध रखते हैं जैसे आस्तिक की। उन्हीं के बनाए हुए नियम हम संत लोगों को भी बरतने पड़ेंगे। अच्छे नियमों में जो अच्छाई मिलती है, बुरे नियमों में उसी प्रकार बुराई मिलती है। इस प्रकार अपने मन में तर्क वितर्क कर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ ने उस जगत पिता भगवान शिव शंकर का स्मरण किया और दो जौ के दाने अपनी झोली में से निकालकर काछल के हवाले किए और मुस्कुराकर बोले, रानी हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम्हें हम ये दो जौ के दाने दे रहे हैं, तुम इन दोनों जौ के दानों को खा लेना, इनके खाने से ठीक 9 मास पर्याप्त तुम्हारे 2 पुत्र जन्मेंगे। गुरु गोरखनाथ जी के वचन सुनकर कैप्टन काछल फूली ना समाई, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दोनों जौ के दाने लेकर गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवाया और राम गुण गाती दोनों जौ के दाने रास्ते में ही अपने मुंह में डाल लिए और जल्दी जल्दी चलकर अपने महल में जा पहुंची। उसे सबसे ज्यादा भय इस बात का लग रहा था कि कहीं रास्ते में मेरी बहन बाछल मुझे ना मिल जाए। अगर उसने मुझे रास्ते में आता देख लिया तो सारा भेद आप ही खुल जाएगा। वह तुरंत ही समझ जाएगी कि ये नौलखे बाग से गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करके लौटी है। काछल ने अपने दास दासियों को भी पीछे छोड़ दिया और उनकी जरा भी परवाह नहीं की। अपने महल के कमरे में पहुंचकर आराम से सांस ली और उनके मन को धीरज आया। उसने झटपट अपने कपड़े पहने और अपनी बड़ी बहन रानी बाछल को उनकी पोशाक वापस करके अपना मस्तक नवाया और हाथ जोड़कर बोली, बहन अपने कपड़ों को संभाल लो। महारानी बाछल बोली, संभल गए बहन, यहीं रख दो। इतना कहकर उसने अपने गुरु गोरखनाथ जी के भंडारे का सामान नौलखे बाग में ले चलने को अपने दास दासियों को आज्ञा दी। जल्दी से भंडारे की सामग्री लेकर नौलखे बाग चलो, वहाँ गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। महारानी बाछल की बातें सुनकर काछल अपने मन ही मन में मुस्कुराती हुई अपने महल के कमरे में जा पहुंची और मन ही मन बोली, अब नौलखे बाग में क्या रखा है, सब साधु संत चले गए होंगे। जिसके भाग्य बनने थे उसके बन गए, जिसके फूटने थे उसके फूटे ही रह गए। इधर इस प्रकार कैप्टन काछल सोच रही थी और उधर महारानी बाछल ये सोचते हुए कि गुरुदेव भूखे होंगे जल्दी नौलखे बाग को पहुंचने का आदेश देने लगी। और उधर गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा के अनुसार सब साधु संन्यासियों ने अपने डेरे तंबू नौलखे बाग से उखाड़ अपनी गाड़ियों में भरवा दिए और झोली खप्पर मृगशाला कंधों पर डाल ली और हाथ में कमंडल बगल में चिमटा दबा अपने सिद्ध गुरु की जय बोलते हुए चले गए। इधर रानी बाछल जब भंडारे की सकल सामग्री लेकर नौलखे बाग में पहुंची तो वहां एक भी संत महंत उसे दिखाई नहीं दिया और कोई डेरा तंबू भी नहीं था, सिर्फ संतों की धुनी की राख जरूर पड़ी दिखाई दी। बाग का ऐसा नजारा देखकर और गुरुदेव को व
वह साधु सन्यासियों को वहाँ ना पाकर अति हैरान हो गई। वह माली मालिन से पूछने लगी, यहाँ से सब संत महात्मा लोग क्यों चले गए? क्या तुम लोगों को इनका कारण पता है? मैं तो गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार अपने हाथ से भंडारे की सारी सामग्री बनाकर लाई हूँ। उन्हें इस प्रकार नहीं जाना चाहिए था। वे कब गए, कहाँ गए, तुम कुछ बता सकते हो तो जल्दी से जल्दी बताओ। महारानी बाछल की घबराहट देखकर माली मालिन हाथ जोड़कर कहने लगे, महारानी जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक नारी आप जैसी ही वस्त्र पहने अंधेरे में ही भोजन सामग्री कहारों द्वारा बग्घियों में भरवा कर लाई थी और सब संतों को भोजन करवा करके दो पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। आपकी बात सुनकर तो ये अंदाजा लगता है वे हम दोनों साधु संतों तथा गुरु गोरखनाथ जी को भ्रम में डालकर दो पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। अपने बाग के मालिन माली की बात सुनकर महारानी बाछल बोली, संत महंतों को गए कितनी देर हो गई है और वे किधर को गए हैं, मुझे शीघ्र बताओ। महारानी बाछल की परेशानी सुनकर बाग के माली मालिन बोले, महारानी जी, उन्हें गए ज्यादा देर नहीं हुई है, मुश्किल से मील आधा मील ही पहुँच पाए होंगे। वे संत लोग इधर को ही गए हैं, वे अपने सामने ही उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या शंख घड़ियालों की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही? हमें तो खूब सुनाई दे रही है। जरा उधर मुंह घुमाकर देखो, उनके झंडे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। माली मालिन की बात सुनकर महारानी बाछल अक्की बक्की सी अपनी निगाहें उठाकर चारों तरफ देखने लगी। तब उसे संत महंतों के झंडे दिखाई दिए और धीमी आवाज घंटे घड़ियालों की भी सुनाई दी। उसे अपनी बहन काछल के कपट जाल को समझने में देर न लगी। वह घबराकर अपने सब दास दासियों तथा कहारों से बोली, तुम लोग भंडारे की सब भोजन सामग्री लेकर मेरे पीछे आओ, मैं अपनी बग्घी में बैठकर शीघ्र ही साधु संतों को रोकने की कोशिश करती हूँ। तब तक तुम लोग वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ ये भगवा रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं तथा घंटे घड़ियालों की ध्वनि सुनाई दे रही है। अपने सभी नौकरों को आदेश दे रानी बाछल बग्घी में सवार हो चंद मिनटों में ही गुरु गोरखनाथ जी के पास जा पहुँची। दोस्तों, जब गुरु गोरखनाथ जी ने दूर से रानी बाछल को बग्घी में बैठे आते देखा तो वे रुक गए। अपने गुरु के दर्शन करके महारानी बाछल की आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर निराश हो बोली, गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूँ। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने कितने पाप किए थे जिनका फल इस जन्म में भोग रही हूँ। आपकी दया होने पर भी मुझे सुख नहीं मिला, ये पापों का ही परिणाम है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार रात भर मेहनत कर अपने हाथ से बनी भोजन सामग्री लेकर ठीक समय पर बाग में आ पहुंची और आप सब लोग इससे पहले ही यहाँ से चले आए, ये मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। जब मैं नौलखे बाग में पहुंची तो उससे पहले ही आप डेरे तंबू उखड़वा कर यहाँ आ पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी तो अपनी भक्त रानी बाछल की परीक्षा ही ले रहे थे। वह गुस्से में भरकर बोले, औगरनाथ, ये क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले तो इसको वरदान दिया है और ये अब फिर हमें दुखी करने आ पहुंची, ये सब क्या है? संत औगरनाथ ने महारानी बाछल के सामने पहुंचकर सारी बात भली प्रकार समझी और कैप्टन काछल का कपट जाल अच्छी प्रकार समझ लिया। आज हमारे गुरुदेव भी कैप्टन काछल के धोखे में फंस गए। संत औगरनाथ अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ से बोले, गुरुदेव, इस मायावी संसार से आप भी धोखा खा गए। कैप्टन वरदान लेके भागी और आपकी भक्तिन ये ददरेवा नगरी की महारानी बाछल चौहान वंश उजागर राजा जेवर सिंह की धर्मपत्नी, जिन्हें आपकी जोत जलाते मुद्दतें गुजर गई, आपके प्रसन्न होने पर भी दया नहीं मिली, इसलिए हम सब लोग आपके साथ बागड़ देश आए थे। ये तो हम सब संतों की दिन रात सेवा करके भी खाली हाथ रह गई और कपट वेशधारी दूसरी नारी आपको धोखा देकर वरदान लेकर चली गई। औगरनाथ की बातें सुनकर गोरखनाथ जी अपनी आंखें लाल करके बोले, अच्छा तो अब इतना खराब जमाना आ गया है कि संत महंतों के साथ भी ये लोग धोखाधड़ी करने लगे। मुझे भी देखना है कि काछल धोखा देकर जाएगी कहाँ। इतना कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपना कमंडल हाथ में उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जब मंत्र पढ़कर श्राप देने को हुए तभी महारानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, गुरुदेव, मैं सब समझ गई, अब आप दया करें। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वह प्रपंची, साफ साफ क्यों नहीं बता रही? महारानी बाछल बोली, गुरुदेव, वह कोई गैर नहीं थी, मेरी सगी बहन है जिसका नाम काछल है। जब मैं आपके भंडारे का इंतजाम करने अपने महल में पहुंची तो काछल ने मेरे चेहरे पर खुशी का आसार देखकर पूछा था, बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही है, इसका क्या कारण है? मैंने गुरुदेव से प्रसन्न होने और वरदान मिलने की सारी कहानी उसे बता दी थी। उसने मुझसे सारा विवरण समझकर कहा, बहन, मैंने देवी के 9 दिन के व्रत रखे हैं जो आज पूरे हो गए हैं, मुझे तुम अपनी पोशाक पहनने के लिए दे दो, मैं उसे पूजन से निपट कर वापस भिजवा दूंगी। पुरोहित जी ने मांगे हुए कपड़े ही पूजन विधान में बताए हैं। मैंने अपनी बहन को कपड़े दे दिए
वे जल्दी जल्दी उठकर उल्टा सीधा भोजन बना आप लोगों को ग्रहण करवाकर घर जा पहुंची और मेरी पोशाक मुझे वापस दे दी। इस तरह देवी के पूजन के बहाने उसने मुझे भी अपने कपट में फंसाया है। श्री गुरु महाराज, मैं उसका मायाजाल उस समय ना समझ पाई, परंतु अब अच्छी तरह जान गई हूँ। गुरुदेव, उसकी कोई खाता नहीं है, वह भी बांझ थी। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए कपट का सहारा लिया है और वो कामयाब भी हो गई, इसलिए वह दया की पात्र है। आप उसे श्राप ना दें, वे भी बिना संतान के मेरी तरह ही दुखी है। महारानी वाचल के वचन सुनकर गोरखनाथ जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, वारे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो, इसलिए तुम्हारी मनोकामना कैसे अधूरी रह सकती है। फिर प्रत्यक्ष में परीक्षा लेने के लिए बोले, परंतु महारानी, उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तो तुम्हारे धोखे में उसे दो पुत्रों का वरदान दे दिया। मेरे पास सिर्फ दो ही दाने सिद्ध किए हुए थे, अब तो मेरे पास और कोई साधन नहीं है। उसका भाग्य अच्छा था, वे अपने पुण्य प्रताप से एक के बदले दो पुत्र का वरदान ले गई। तुम्हारे भाग्य का सितारा मध्यम था, तुम अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण हाथ मलती रह गई। अब ऐसा करना, उसके दो पुत्र जन्म लेंगे, उनमें से एक उससे मांगकर तुम पा लेना और अपना ही बेटा समझकर उसका पालन पोषण करना। फिर ओगड़नाथ से बोले, ओगड़, अब तुम रानी बाछल से कहो ये अपने घर जाएं, संतों को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होता। संत ओगड़नाथ ने जब अपने गुरुदेव को इस प्रकार रुखा उत्तर देते सुना तो वे बड़ा हैरान हुए। फिर अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, धन्य है गुरुदेव तुम्हारी माया। कपटी मायाविनी नारी को दो दो पुत्र का वरदान और अपनी भक्त सती सुशील नारी को छल कपट से कोसों दूर है, एक पुत्र से भी वंचित रह जाए। क्या इसे एक पुत्र का वरदान देने में आपके खजाने में कमी आ जाएगी? क्या करूं, मैं भी विवश हूं। शिष्य का नाता है, नहीं तो मैंने आपसे क्या नहीं सीखा। ओगड़ की बात सुनकर गुरु गोरखनाथ जी अपने दोनों नेत्र बंद कर समाधि में चले गए और सीधा पताल लोक जा पहुंचे, जहां नागों का राजा था। जब राजा वासुकी ने निगाहें उठाकर गुरु गोरखनाथ जी को देखा तो अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब गुरु गोरखनाथ ने राजा वासुकी को आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव सिंहासन की शोभा बढ़ाएं और यहां आकर दर्शन देने का अभिप्राय अपने दास को बताएं। राजा वासुकी के मधुर वचन सुनकर योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हो गए और कहने लगे, हे राजन, मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं। मुझे अपनी भक्त रानी बाछल को एक संतान का वरदान देना है। उसके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, परंतु मुझे उसे ऐसा वरदान देना है कि उसके इस पुत्र को भारतवर्ष के तो क्या विदेशों तक के लोग हमेशा किसी न किसी रूप में पूजते रहें और इसकी पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती रहें। राजा वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव जिसे आप उचित समझें ले जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें तो तक्षक को ले जाएं और आज्ञा हो तो मैं खुद आपके साथ चलूं। ये कौन नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग देवता के समान पूजें। जैसी भी गुरुदेव की आज्ञा होगी सेवक वैसे ही पालन करेगा। गोरखनाथ जी महाराज वासुकी की प्रेम भरी वाणी सुनकर बोले, हे राजन, मुझे सिर्फ पद्मनाग की आवश्यकता है और किसी की नहीं। राजा वासुकी ने अपना शीर झुकाकर गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा का मान मंत्र जपा। मंत्र के पढ़ते ही पद्मनाग हाजिर हो गया और राजा वासुकी व गुरु गोरखनाथ जी को अपना शीर झुकाकर प्रणाम किया। राजा वासुकी और गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया। फिर राजा वासुकी ने पद्मनाग पर अपना हाथ फेरा तो देखते ही देखते उसका चोला बदल गया। वह मनुष्य के समान अति सुंदर दिव्य देहधारी राजकुमार बन गया और दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा, राजन मुझे क्या आज्ञा है। राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनाग, अब तुम्हें इन योगेश्वर गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर इनकी आज्ञा का पालन करना है। ये योगेश्वर महान संत सिद्ध आत्मा पुरुष है। इनका अवतार ही भक्तों का दुख हरने के लिए हुआ है। इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण तथा मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। पद्मनाग ने हाथ जोड़कर गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी सेवक को क्या आज्ञा है। गोरखनाथ बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में पूजे जाओगे और मेरा नाम भी रोशन करोगे। अब तुम मेरे धुने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध करी हुई गुगल रखी है सूक्ष्म शरीर में, उसमें समा जाओ। जब महारानी वाचल उसका सेवन कर लें तब तुम उसके गर्भ में जाकर विराजमान हो जाना। दोस्तों, पद्मनाग ने तुरंत ही गुरु गोरखनाथ की आज्ञा का पालन किया। वे तुरंत ही धुनी पर पहुंचकर गूगल के भीतर जा समाया। इधर पद्मनाग ने गुरु आज्ञा का पालन किया, उधर गुरु गोरखनाथ ने अपनी दोनों आंखें खोलकर समाधि तोड़ने पर देखा कि महारानी बाचल तन मन धन से गुरु सेवा में लीन है। उसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा काला पड़ गया है, आंखें सूज रही हैं। गोरखनाथ जी ने रानी बाचल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी तूने बड़ा कष्ट उठाया है,
इतना सुनते ही रानी बाछल की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। गुरु गोरखनाथ ने कहा, रानी तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। गुरु गोरखनाथ के इतना कहते ही रानी बाछल अपने सारे कष्टों को भूल गई। उनके चेहरे पर चमक और आंखों में रौनक दिखाई देने लगी। महारानी बाछल का दिल खुशी से भर गया। गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुककर उसे अपनी मनोकामना पूरी होते नजर आने लगी। दोस्तों, महारानी बाछल का मस्तक गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुक गया। वे अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करने लगी। योगीराज बोले, रानी मस्तक उठाकर अपना हाथ आगे करो। रानी बाछल ने गुरु आज्ञा का पालन कर अपना मस्तक उठाकर हाथ आगे कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने हव्य नाम की गुगल अपनी धोनी से उठाकर, जिसमें पाताल लोक का पद्म नाग सूक्ष्म रूप में विराजमान था, अपनी बाई जांग की मैल से एक बत्ती सी बनाकर मैल और गुगल को एक जगह मिलाकर बोले, बेटी बाछल, ये प्रसादी रूपी गुगल खाना। इस सिद्ध करी हुई गुगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका यश भारतवर्ष में तो फैलेगा ही, विदेशों में भी देवता की भांति लोग इसकी पूजा करेंगे और इनके द्वारा दिया गया वरदान लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इसीलिए इसे हर जाति के नर नारी पूजन करके अपना मस्तक झुकाया करेंगे। इस गुगल को जो भी बांझ प्रसादी के रूप में खाएगी, वह भी वीरधीर संतान की जननी बनेगी। तुम्हारी कपटिन बहन काचल के जो पुत्र जन्मेंगे, वह भी अपनी माता के समान ही कपटी होंगे। अपने कपटी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे पुत्र द्वारा मारे जाएंगे। तुम्हारी कपटिन बहन काचल अपने स्वभाव के कारण ये भी ना सोच सकी कि प्रसादी की जौ का दाना एक साथ ना खाकर कुछ दिन आगे पीछे एक एक करके खाना चाहिए। दोनों दाने एक साथ खाने से दोनों संतान एक साथ ही जन्म लेंगी, उससे उसे बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। दोनों संतानों से उसके पेट की दशा क्या बनेगी, दुष्टा को अपने अन्याय का नतीजा न्यायकारी ईश्वर की तरफ से खुद ब खुद मिल जाएगा। अब तुम जा सकती हो, हमारा भी अब यहाँ से चलने का समय आ गया है। अपने सिद्ध गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल गुगल की प्रसादी ले और गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर अपने महल में आ गई और अपनी सास के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया। रानी बाछल को महल में आया देख सभी सखी सहेलियां व दासी दासियां आई और तरह तरह के प्रश्न करने लगी। महारानी बाछल ने भी सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी की तारीफ करके वे हव्य गुगल दिखाई, जिसे देखकर उनके चेहरों पर प्रसन्नता झलकने लगी। जो बांझ सहेलियां थी उनके चेहरे पीले पड़ गए, मुंह पर उदासी छा गई और किसी किसी की आंख में तो आंसू आ गए, परंतु वे सोचने लगी, हमारी महारानी को राज्य का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इस प्रकार अपने मन में विचार कर भगवान के भरोसे गुरु गोरखनाथ का ध्यान कर थोड़ी थोड़ी गुगल तोड़कर प्रसाद रूप में सभी बांझ नारियों को बांट दी। पद्मनाग महारानी बाछल की ये लीला देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर सोच विचार कर अपना थोड़ा अंश सहेलियों की गुगल में ही छोड़ दिया। महारानी बाछल अपनी सहेलियों से कह दिया, इस प्रसादी रूपी गुगल को ताजे पानी के साथ निगल लेना। पंडतानी ने उस समय तुरंत पानी पीकर गुगल निगल लिया और उसके बाद लूना चमारी ने भी पंडतानी को देखा देखी पानी के साथ गुगल निगल लिया। उसके बाद दासी ने खाया, फिर हाथ जोड़कर दासी रानी बाछल से बोली, महारानी जी अपनी नीली घोड़ी भी तो बांझ है, थोड़ी गुगल उसके दाने में भी क्यों ना मिला दी जाए, शायद उसके भी भाग जाग जाए। दयालु महारानी बाछल ने दासी के कहने से थोड़ी गुगल अपनी नीली घोड़ी के दाने में भी मिलवा दी और बाकी बची हुई गुगल गुरु गोरखनाथ महाराज जी का ध्यान करके पानी के साथ खा गई। एक दिन महारानी बाछल का सिपाही नीली घोड़ी को टहलाने व पानी पिलाने तालाब पर ले गया। उसने घोड़ी को पानी पिलाकर पास ही एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अपने कपड़े उतार कर तालाब में नहाने लगा। भगवान की दया कहो या गुरु गोरखनाथ जी की कृपा, स्वर्ग लोक के राजा इंद्र का घोड़ा भी उसी तालाब के निकट आ पहुंचा। नीली घोड़ी को बंधा देख समागम कर इंद्रलोक को उड़ गया। सिपाही ने नहाते नहाते ये सारी घटना अपनी आंखों से भली प्रकार देखी, जिसके कारण महल के सभी दास दासियों को पता चल गया। जब ये खबर महारानी बाछल के महल तक पहुंची, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ की दी हुई हव्य गुगल का सेवन किया था, तो उन्होंने भी अपने अपने पतियों के संग प्रेमालाप किया। महारानी बाछल पर भी गुगल ने अपना प्रभाव किया और उन्हें भी गुगल की तासीर का पता अपनी सखियों की तरह शीघ्र ही चल गया। वह घबराकर अपनी सास राजमाता के पास जा पहुंची, जिसे सुनकर वह भी सोचने लगी, देखो दुनिया के लोगों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा, ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इन दुनिया वालों ने सीता जी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी ये कह दिया था कि रावण से घर आई है, तो राम के किस मतलब की रह गई।
मेरा बेटा घर होता तो कोई और बात होती। दोस्तों, महारानी बाछल को जब उनकी सास से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला तो वह अधीर होकर मन ही मन चिंता के कारण दुखी हो सूखने लगी। मैं अपनी शक्ल किसी को किस प्रकार दिखाऊंगी? दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे? पतिदेव का आज तक कोई पता नहीं है, उन्होंने आज तक खबर नहीं ली और तलाश करने पर भी नहीं मिले, जाने कहाँ छुप गए हैं। गुरु गोरखनाथ जी की प्रसादी रूपी गूगल अपना पूरा असर दिखा रही है। आखिर देवता का वरदान है, असर क्यों नहीं दिखाएगा? मेरी जिन जिन बांझ सखी सहेलियों ने गूगल खाई है सब माँ बनने वाली हैं। फिर भी उनकी बात और है, उनके पति तो उनके साथ हैं। मुझे तो अपना हाल महारानी कुंती जैसा होता दिखाई देता है, जिन्हें भगवान सूर्य के वरदान के कारण कुंवारेपन में ही लड़के का जन्म हो गया था। दोस्तों, महारानी बाछल इस प्रकार चिंता करके दुखी थी और उनकी कपटिन बहन काछल इसी ताक में रहती थी कि मैं अपने कपट जाल में इसे किस तरह फांसूं, कौन सा जाल रचूं जो बाछल रानी का